20 tests on one day. India, England, Australia. What a player, what a player, what a player. Hello and welcome to What a Player फैंटेसी टिप सेक्शन, जहां हम आपको आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला है 18 जून से साउथहैम्पटन में, उसके टिप्स देंगे। और टिप्स देने के लिए हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एक्सपर्ट्स हैं विशाक और आकाश। हेलो गाइस। हेलो संजय, कैसे आप? हेलो संजय, एकदम बढ़िया। आकाश एकदम फुल इंडिया को सपोर्ट करते हुए, इनकी पूरा विश्वास है कि इंडिया ही ये जीतेगी। तो लेट्स सी इन्होंने कितने इंडियन प्लेयर्स को फैंटेसी 11 में रखे हैं और कैसी टीम बन रही है। स्टार्टिंग विद आकाश, लेट्स हैव अ लुक एट द टीम्स। जी, तो आपके लिए पूरा स्क्वाड भी रखा गया है, यू कैन गो थ्रू द एंटायर स्क्वाड। पर हमारे ड्रीम 11 की फैंटेसी पिक्स भी इसी पिक में है आपके लिए। तो हमने गिन चुन के सबसे बेहतरीन प्लेयर निकाले हैं इन 30 लोगों में से, तो आप चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि एक ही मैच है, एक ही चांस मिलेगा आपको। तो ट्राई एंड क्रिएट द बेस्ट टीम पॉसिबल, हमको लगा कि ये बेस्ट टीम हो सकता है। तो हम कीपर में दो ऑप्शन थे हमारे पास, पंत और वॉटलिंग। ये वॉटलिंग का आखिरी मैच होने वाला है, इसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं, और फिर भी हमने पंत के फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए पंत को खिलाया है। पंत काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन भी है, तो हमने उनको वॉटलिंग के आगे खिलाया है। इंडियन बैट्समैन की तरफ से हमने विराट कोहली और रहाणे को खिलाया है। कोहली हमारे बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है। अनफॉर्चुनेटली हम रोहित शर्मा को नहीं खिला पाए, वो ओपनर है और मूविंग बॉल के अगेंस्ट थोड़ा बहुत ससेप्टेबल भी है, इसलिए हमने उनको ड्रॉप किया है। विराट कोहली और रहाणे, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन है इस टीम के, इंडियन टीम के बेसिकली, तो उन दोनों को हमने इंडियन टीम की तरफ से खिलाया है। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से हमने 3 प्लेयर्स को खिलाए हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पास ऑलरेडी 2 मैच का एक्सपीरियंस है इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए। उनमें से एक है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड कैप्टन और इस टीम के भी कैप्टन, सबसे बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली के साथ, तो हम उनको कैप्टन बनाएंगे। लेथम काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और कॉनवे जिस तरह का डेब्यू सीरीज रहा है इनका इंग्लैंड के खिलाफ, उनको ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये है हमारे विकेट कीपर और बैट्समैन। ऑलराउंडर के तौर से हम लोगों ने अश्विन को लिया। हम लोग सोच रहे कि इंडिया अगर एक ही स्पिनर खिलवाएंगे तो अश्विन को खिलवाएंगे, अगर कुछ चेंज हुआ तो आप अश्विन के बदले जडेजा को ट्राई कर सकते हैं। और बॉलर्स में हम लोगों ने इंडिया के तरफ से ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह को लिया। जसप्रीत बुमराह ऑल फॉर्मेट बॉलर है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो डेफिनेटली आपके 11 में होने चाहिए। और ईशांत शर्मा अगर आप पिछले 3-4 साल से देखेंगे तो उनका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा रहा है, और पिछले तौर भी इंग्लैंड में भी उन्होंने अच्छे बॉलिंग किए थे, तो उनको भी हम लोगों ने लिया। और न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी दोनों स्विंग बॉलर्स हैं। अगर बारिश की संभावना भी है टेस्ट मैच में, तो एक स्विंग अगर स्विंग होगा तो इन दोनों अच्छे विकेट्स ले सकते हैं। आकाश, ये बारिश की वजह से हमने बैट्समैन को कैप्टन बनाया है, या फिर मैं सोच रहा था कि अगर बारिश होगी तो शायद बॉलर्स भी ज्यादा विकेट्स ले सकते हैं, तो ऐसा हमारे फ्रेंड्स कर सकते हैं कि शायद वो कोई बॉलर को पिक करें? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अगर 6.5 दिनों के वेदर रिपोर्ट के देखेंगे तो बारिश है, तो अगर आप चाहें तो अच्छे स्विंग बॉलर्स जो कि ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउदी है, और हमारे पास इंडिया का जसप्रीत बुमराह भी है, तो इन तीनों में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बना सकता है। ट्रेंट बोल्ट जो कि अच्छे स्विंग बॉलर है और काफ़ी विकेट्स निकालते भी है इंडिया के खिलाफ, आप उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लेकिन ये दोहरी पारियों का मैच है, चांसेस है कि कोई एक टीम 2 बार खेले और दूसरा टीम सिर्फ एक ही बार खेले, तो इसलिए हमने सोचा कि शायद एक बैट्समैन अच्छा चल गए तो काफ़ी रन बन सकते हैं, तो इसलिए हमने बैट्समैन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया। एकदम बहुत अच्छी बात कही आपने, जैसे अगर कोई टीम पहले बॉलिंग करके कम रनों पे किसी को आउट कर दे और अच्छी खासी बढ़त लेके एक ही इनिंग्स में जीत जाए तो उस टीम को तो एक ही बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो टीम हार रही है उसी में से कोई हो जो आपको ज्यादा पॉइंट स्कोर करके दे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और विशाख, न्यूजीलैंड की तरफ से और कोई अगर पिक किसी को करना हो तो कोई एक अच्छी रिकमेंडेशन आप देंगे बैट्समैन में?
बैट्समैन में कोई नहीं दिख रहा है मुझे, मगर बॉलर में एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है नील वैगनर। नील वैगनर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छे बॉलिंग किए थे, बॉल को स्विंग कर रहे थे और उनका एक्चुअल स्ट्रेंथ है जब दिख करके बैट्समैन को शॉर्ट बॉल्स डाल के बैट्समैन को रफल करना, वो अभी तक उस सीरीज में नहीं किए थे। अभी वो स्विंग बॉलिंग भी उनके आर्मरी में ऐड किए हैं तो वो डेंजरस बॉलर बन सकते हैं, तो वो एक आप उनको ले सकते हैं। ओके, होपफुली। और ये टेस्ट मैचेस है तो हम भी अब ये सीख ही रहे हैं कि कैसे टीम्स बनेगी, कौन ज्यादा स्कोर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो काफी सारा लर्निंग प्रोसेस है हमारे लिए भी। आईपीएल के दौरान आपने देखा होगा हम हर रोज टीम सेलेक्ट करते थे और थोड़ा उसमें फॉर्म का भी होता था, टॉप के एक दो बैट्समैन आप ले लो जो चल रहे हैं, उन्हीं लोगों का ज्यादा पॉइंट स्कोर करने के आसार होते थे, बट टेस्ट मैचेस में काफी डिफिकल्ट है पिक करना, किसी को पता नहीं किसका दिन हो, लेकिन अगर आपका चल गया तो बहुत अच्छा, जैसे कॉनवे ने 200 बना दिया था, अगर वो आपके कैप्टन हो तो बहुत पॉइंट्स आप स्कोर किए होते। तो इसी के साथ जाते जाते ये बताता चलूं कि डिस्क्लेमर दे दूं कि इस खेल में पैसे जाने का खतरा है, सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, अपने ही जोखिम पे खेलें और आपको 18 साल के ऊपर होना जरूरी है। और टिप्स की कहें तो ये जो टिप्स हम दे रहे हैं ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, हमारे बॉर्डर प्लेयर्स के मेंबर अगर आपको कोई भी नुकसान हो उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते। सो एज सुमन एंड आकाश ऑलवेज सेज, Play safely, be responsible, and hope you win lots of money. Akash and Vishak, thank you for your time. And for our viewers, hopefully you enjoyed this video. Please do keep joining us for the next fantasy videos and we'll try and bring you more and more of these as much as possible. Thank you so much. Take care, guys. Thank you. Thanks, guys. Everyone. Stay safe.